Hello guys, good morning to all of you. This is Shweta guys on the Vedigan YouTube channel. आज कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स जो हम डेली सुबह करते हैं April 17, 2020. सो गाइज, वेदिगन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है. वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी एक भी न्यूज़ छूट ना पाए. सो गाइज, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन. सो गाइज, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आज अप्रैल 17 की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़. तो जो आपके एग्ज़ाम में आनी आनी होती है, टॉप 6 न्यूज़ आज हम करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ. तो फर्स्ट न्यूज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दैट इज़ अबाउट बिहार. बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या है, बिहार गवर्नमेंट ने जो उसके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको रीस्टार्ट करने की परमिशन दे दी है. यानी बिहार स्टेट गवर्नमेंट गिव्स परमिशन टू रीस्टार्ट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन स्टेट. यानी उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा से शुरू करने की, हमारा जो लॉकडाउन है, जो 21 डेज़ का लॉकडाउन था, उसके बाद जो नया लॉकडाउन है जिसको 2.0 बोला जा रहा है, उसका जो शुरू होने का टाइम है उसके लिए उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं. दैट इज़ बिहार ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा से स्टेट में शुरू करने की परमिशन दे दी है. सो ये न्यूज़ है. अभी वहाँ पर कितनी यूनिट्स हैं जिनको परमिशन मिली है, दैट इज़ अबाउट 27,000 यूनिट्स कि एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से वहाँ पर अवेलेबल करा सके, दोबारा एम्प्लॉयमेंट को रीस्टोर कर सके. इसमें वहाँ पर ऐसी परमिशन दी गई है ताकि जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जाने का खतरा है वो कम हो जाए. और जितनी भी परमिशन लेनी पड़ेंगी, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू होगी तो यूनिट शुरू होने से पहले परमिशन लेटर इशू करना पड़ेगा. और जितनी भी ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो शुरू होंगी फ़िलहाल, उन सभी को वर्कर्स की जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडस्ट्रीज़ को खुद लेनी होगी. दैट आर द रिस्ट्रिक्शंस. यानी यूनिट्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ लेबर्स. यानी लेबर्स की जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस इंडस्ट्री की होगी. ठीक है गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, मार्च 22 को बिहार दिवस मनाया जाता है. स्टेटहुड कब बनी थी, 26 जनवरी 1950 को. कैपिटल कहाँ है, पटना है. डिस्ट्रिक्ट कितनी है, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है. गवर्नर कौन है, फगु चौहान जी हैं जो गवर्नर हैं. सीएम कौन है, नीतीश कुमार सीएम है. एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 243. और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 39 सीटें. राज्यसभा में कितनी हैं, 16 सीटें. इस डाटा को लेकर इतना परेशान ना होया करो, क्योंकि एक बार आप एक मतलब करंट अफेयर्स में डेली ये रिपीट होता रहेगा तो आप लोगों को खुद ब खुद याद होता रहेगा. सो यहाँ पर सेकंड न्यूज़ की बात करें, जो हमारी एमिरेट्स एयरलाइन है उन्होंने क्या किया है, वो फर्स्ट एयरलाइन बन गई है जो रैपिड टेस्ट कर रहा है. Emirates Airlines has become the first airline to conduct on-site rapid test. यानी उसी साइट पर सेम टाइम पर वो टेस्ट करेगी COVID-19 का. इसलिए इसको क्या बोला गया है, on-site rapid test. यानी उसी के उसी टाइम पर टेस्ट करेगी. कि Emirates जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई. यानी गवर्नमेंट ऑफ दुबई की ये कंपनी है. और किसके साथ मिलके, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके, इन कोऑर्डिनेशन विद दुबई हेल्थ अथॉरिटी. तो इसके साथ मिलके इसने कोऑर्डिनेट किया है ताकि ये टेस्टिंग कर पाए. और जो रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करेगी ना, मतलब अभी टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट विद इन कितने मिनट्स में, 10 मिनट में वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा. दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग. ठीक है, एमिरेट्स की अगर बात करें तो कहाँ की कंपनी है, दुबई की कंपनी है. चेयरमैन कौन है, बहुत बड़ा नाम है, आप लोग देख लीजिए, अहमद बिन सलेद अख मुक्तम.
तो मुक्तम जी हैं जो क्या है, चेयरमैन भी है और सीईओ भी है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पर मूव ऑन करते हैं। जो ब्रॉड जो BCCI हमारी कंपनी है, दैट इज़ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI जो है उसने क्या किया है, जो IPL 2020 होने वाले थे उनको क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। एक्चुअली 2008 में IPL शुरू हुए थे और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी IPL को पोस्टपोन करना पड़े, तो फर्स्ट टाइम इस पेंडेमिक के कारण इनको लोन पोस्टपोन करना पड़ा है और ये 30th एडिशन थी IPL की। IPL की अगर बात करें कौन सी एडिशन थी, 30th, तो IPL की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन कब आई थी, 2008 में। कितने टीम्स खेलती है, तो 8 टीम्स खेलती है और अभी चैंपियन कौन है, मुंबई चैंपियन है जो 4 बार जीत चुकी है। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं 5,412। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली है, मलिंगा ने विकेट ली है, दैट आर 170। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ न्यूज़ जो हमारी है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश ने उसका 73rd फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। जो किस दिन मनाया जाता है, 73rd फाउंडेशन डे, यानी 73rd ईयर, 73 ईयर्स हो गए हैं हिमाचल को बने हुए। तो कब मनाया जाता है, दैट इज़ ऑन अप्रैल 15 को हिमाचल डे मनाया जाता है। तो हिमाचल डे मनाया जाता है, हिमाचल की बात करें तो कब एग्जिस्टेंस में आया था, 15 अप्रैल को, जैसे क्या बनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश डे। नेक्स्ट बात करें स्टेट कब बन गया था, तो 1971 में स्टेट बन गया था। कैपिटल क्या है, शिमला और धर्मशाला, दो कैपिटल है, एक शिमला और दूसरी क्या है, धर्मशाला। जो सेकंड कैपिटल है विंटर में क्या बन जाती है, धर्मशाला। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 12। सीएम कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर कौन है, बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। MLA यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर हैं, 68। लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें। फिफ्थ न्यूज़ की बात करते हैं, जो हमारा UPSC है, जो हमारा UPSC बोर्ड है, जो ए ग्रेड और बी ग्रुप की जो पोस्ट है उनके एग्जामिनेशन और अपॉइंटमेंट करता है, उन्होंने क्या किया, उनके चेयरमैन ने और उनके मेंबर्स ने अपनी सैलरी में से 30 अपनी सैलरी उन्होंने 30% रिड्यूस कर दी है, कि ताकि जो इसके पैसे हैं वो कहाँ यूज़ हो सके, कोरोना वायरस के इलाज में यूज़ हो सके। जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारी फाइट है उसके लिए ये हेल्प के तौर पर यूज़ हो सके, उसके लिए एड प्रोवाइड की जा सके। तो चेयरमैन और UPSC मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया, 30% उनकी जो बेसिक पे है एक साल तक वो क्या हो जाए, COVID-19 के फंड में चली जाए, ठीक है। तो UPSC की बात करें, ए और बी के ग्रुप जो है उनके एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, UPSC। कब बना था, 1926 में, अक्टूबर 1, 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है, अरविंद सक्सेना जी जो चेयरमैन है। UPSC में एक चेयरमैन और प्लस 10 मेंबर्स होते हैं और उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और टेन्योर कितना होता है, 6 साल और या फिर 65, कोई भी जो नियर बाय कंप्लीट हो वो। ओके, अब बात करते हैं न्यूज़ नंबर 6 की। जो हमने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सुना है, जो COVID-19 का अलर्ट प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर बता देती है कि कितने केसेस हैं। तो गाइज, ये सबसे फास्टेस्ट यानी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ऐप है, जो 50 मिलियन जो फिलहाल उसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 50 मिलियन तक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है 13 दिन के अंदर। तो आरोग्य सेतु ऐप क्या बन चुकी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ऐप बन चुकी है। सो गाइज, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया है। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बाकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक बटन को पक्का से पक्का प्रेस करना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।